भारत माता की सब देवन की सब संतन की हर 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 महादेव। यहां उपस्थित सभी लोगों के शरीर में दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूं, जितने हमारे अतिथि व्रत हैं उनको प्रणाम करता हूं, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और मेरे परिवार जनों को बहुत सहकलाट प्यार। आज इस कार्यक्रम के यजमान थोड़ी परंपराएं बदलते हैं। मिसेस नीना जी एंड मिस्टर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, प्रभु कृपा से उनके घर में बड़ा मंगल कार्य होने जा रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, अपने गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनके घर का मंगल कार्य बहुत आसानी से खुशी से संपन्न हो, किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आए तो गणेश जी उन्हें समाप्त करें, जिससे उस कार्यक्रम में लगे सभी लोग और वहाँ आने जाने वाले भी सभी लोग निश्चिंत होकर निर्विघ्न मंगल कार्य का आनंद उठा सके और उनके बच्चे सारा जीवन खुशी से बिताएं। अभी जो आपने देखा कि आश्रम के सौंदर्य में चार चांद लगे, मतलब चार चांद तो कहावत है, कई पत्थर लगे, इसके लिए मैं श्री राज कत्याल जी, अनिल मित्तल भैया को, शशि रंजन भैया को, जया दीदी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद की परंपरा तो है नहीं आज, धन्यवाद किस बात का, खुद ही कीचड़ से गिरने से बचना था इसलिए पत्थर लगा। बाधाएं अपनी जगह थी, बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभु ने श्री अजीत शुक्ल जी को और उनकी पत्नी सीमा जी को नियुक्त किया और उन्होंने एक बड़ा सेक्रीफाइस करके आश्रम को बाधाओं से मुक्त किया। आश्रम को बाधाओं से निकालने के लिए उन्होंने अपनी धरती बेच डाली। ऐसे भी लोग होते हैं समाज के अंदर जिनकी वजह से लोग काम कर पाते हैं, तो इन सद्भावना रूपी दो शरीरों को यानी अजीत जी को सीमा जी को मैं हृदय से बहुत सारा प्यार देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जनवरी में शिविर में चले गए और अब मुझे लगता है जब सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अब आपको एक एक स्टेप ध्यान साधना की ओर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाइए। मान्या जी और उनकी मम्मी जी आपको खाना खिलाते रहेंगे जैसे आज खिलाए, और आप लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करिए। राजयोग साधना सीखनी बेहद आवश्यक है। कोई भी साधक जब तक वह राजयोग सिद्ध नहीं होता तब तक उसकी साधना अधूरी रह जाती है, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि
सामान्य श्वास क्रियाएं, सूर्य क्रिया विशिष्ट सूर्य क्रिया भी आप सब लोगों ने सीखी है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग उसका नियमित अभ्यास करते हैं, लेकिन सीखी है कई लोगों ने। अब राजयोग साधना की तरफ बढ़िए, क्योंकि साधना का उत्कर्ष राजयोग साधना है। और यदि ये साधना आप नहीं सीख पाते हैं तो बाकी साधनाएं अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती। तो पहली बात, मूलतः हम लोग जो अभी तक अभ्यास कर भी रहे थे, मैंने आपको चूंकि बताया नहीं कभी जानबूझकर, क्योंकि यदि मैं आपसे कहूंगा राजयोग सीख लो तो आप दूसरे राजयोग की तरफ चले जाओगे, कुंडली वाला राजयोग, जीवन का राजयोग जिसमें आदमी में बड़ा पद बड़ा पैसा आता है। और मेरा अर्थ था साधना से, इसलिए मैंने श्वास आदि क्रियाएं तो वही सिखाई, लेकिन कभी आपसे ये देखा कि आप धीरे धीरे राजयोग साधना सीख रहे हैं। मैंने आपसे मेहनत करवाई, ईंटें धुलवाई, ईंटें ढुवाई, मिट्टी लगवाई, पेड़ पौधे लगवाए आदि आदि, ये सब राजयोग साधना के हिस्से हैं। तो जनवरी में हम लोग वह साधना सीखेंगे श्री कृष्ण के माध्यम से और गुरु जी के माध्यम से, वही ये साधना सीखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों के माइंड के डेवलपमेंट का विशेष वहाँ पर अभ्यास होगा, जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़े, बच्चों की मेमोरी बढ़े और बच्चे थोड़ा शांत हो, उनके अंदर वह भाव अतिरिक्त समाप्त हो। यह हम लोग जनवरी में करने जा रहे हैं। आज मेरी बहुत ज्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा हनुमान जी के बारे में। लेकिन उससे पूर्व मैं एक बहुत विशेष व्यक्ति का बहुत धन्यवाद, उनको बहुत प्रेम, उनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। श्री बॉबी जी यहाँ है या नहीं पता नहीं, उन्होंने ये जो पूरा क्षेत्र अभी आप देख रहे हैं, जहाँ आप सरलता से चल सकते हैं, जहाँ बच्चे भाग सकते हैं, ये आज से 15-20 दिन पहले ऐसा नहीं था, आप सब जानते ही हैं। तो समय को समझते हुए और यहाँ आने जाने वाले लोगों की पीड़ा समझते हुए, स्वयं से इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने ये पूरी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के इस आश्रम को उपहार में दिए, जिसे आप सरलता से चल सके और बच्चे खेल कूद कर सके, भाग दौड़ कर सके, क्योंकि ये आश्रम तो बच्चों को समर्पित है और बच्चे यहाँ पर वैसे ही दौड़ भाग करते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई कुछ, तो वैसा आसानी से हो सके ऐसा प्रयत्न उन्होंने किया। अब मैं सुंदरकांड के विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जो लोग अध्यात्म का मतलब शांत होकर बैठ जाना समझते हैं, वह लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अध्यात्म का मतलब चुप रहना नहीं है, अध्यात्म का मतलब कर्महीनता नहीं है, अध्यात्म का मतलब कायरता नहीं है। शांति ओढ़ने के नाम पर काया बन जाना अध्यात्म नहीं है। वीरता अध्यात्म का अभिन्न अंग है। और अभी मैं दो बच्चों से बात कर रहा था, उस बात में मुझे अपनी बहुत पुरानी बात याद आई जो मैंने उन दोनों बच्चों से कहा, और ये बात आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। खासतौर से जिन लोगों को मेरे साथ बहुत लंबी जिंदगी खींचनी है, खींचनी कहूंगा क्योंकि मैं खींचता ही रहता हूँ आप लोगों के साथ, उन लोगों से मैं खास तौर से कहता हूँ, या जिन लोगों को प्रभु के पथ पर चलना है उन लोगों से मैं खास तौर से ये बात कहता हूं, ध्यान साधना पूजा ये साधन है, साध्य नहीं है। दे आर द मीन्स एंड नॉट एंड्स। हम पूजा को एंड्स मान लेते हैं, साध्य मान लेते हैं, पूर्ण मान लेते हैं, साधना को पूर्ण मान लेते हैं, ध्यान को पूर्ण मान लेते हैं, उसे ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान साधना जीवन का उद्देश्य
प्राप्त करने के साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। पूजा जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। और जिस देवता की आज आप पूजा करने के लिए जुटे हैं या करते हैं, रोजाना करते हैं, ये उन्हीं के जीवन का अभिन्न सिद्धांत है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कर्म। कौन सा? जो प्रभु प्रदत्त कर्म है, यानी प्रभु का काम करना, यह जीवन का उद्देश्य है। वह काम कर सके इसके लिए जो साधना चाहिए, जिससे कि वह आत्मबल की प्राप्ति हो, उसे एकाग्रता की प्राप्ति हो, शरीर में दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो, मानसिक ऊर्जा प्राप्त हो, हम इतने आत्मबली हो जाएं, हमारे अंदर चरित्र बल इतना मजबूत हो कि हम अपने पथ से डिगे ना, हम कभी झूठ ना बोले, हम सत्य का अन्वेषण करें, सत्य का सहारा लें, और जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें हमारे ईश्वर कहते हैं उस मार्ग पर चल सके, इसके लिए बहुत मजबूत चरित्र, बहुत मजबूत आत्मा, बहुत मजबूत मन और उसके अंदर के विचार और चित्त की वृत्तियां चाहिए। दरअसल साधना से यह प्राप्त होते हैं, इसीलिए साधना अंत नहीं। मेरा बारंबार ये निवेदन रहता है, मैं बहुत सारे संत सन्यासी जो मेरी उम्र के थे उनके साथ जब बात होती थी, मैं उनसे यही कहता था कि साधना को अंत मत बनाना है जीवन का, अंत मत बनाइए जीवन का। साधना से जीवन जीना आता है, लेकिन साधना ही जीवन नहीं है। जीवन तो प्रभु का कर्म है, प्रभु की क्रिया है। मान लीजिए इस सृष्टि के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए मनुष्य को धरती पर प्रभु ने भेजा है, लेकिन वह सारा दिन राम राम तो करता है, लेकिन राम का काम बिल्कुल नहीं करता, तो उसका जीवन निरर्थक है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एक बार गंगा नहाने से किसी के पाप तर जाते हैं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ श्लोक मात्र सुनने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यह असंभव है। कर्म से पाप की उत्पत्ति हुई है और पाप की उत्पत्ति के फलस्वरूप दंड प्राप्त हुआ है। यह दंड समाप्त केवल प्रायश्चित से होगा, और वह प्रायश्चित पूजा से नहीं, पुनः कर्म से ही उत्पन्न होगा। यदि हमसे कहीं कोई गलती हुई है और हम ये सोच के राम राम कहने लगे, तो उस गलती का कोई हल नहीं निकलेगा, उस गलती का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। उस गलती का प्रायश्चित क्या है? उस गलती को सही करना। इसीलिए कर्म से उत्पन्न हुई कमियों को कर्म ही ठीक करेगा। जब ठीक नहीं करेगा, जब वह शक्ति देगा कि हम निर्मल मन से, हम शांत मन से, हम कठोर आत्मबल और अनुशासन से वह कार्य कर पाए। देखिए, सदाचार वाला जीवन जीना बेहद कठिन है, झूठ बोल के जीवन जीना बहुत आसान है। इसीलिए तमाम पूजा करने के बावजूद पूरे जीवन मनुष्य झूठ से, ईर्ष्या से, निंदा से, लालच से, अहंकार से, क्रोध से कभी बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वह पूजा नहीं करता है। उसको लगता है वो पूजा कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पूजा करता है, सबसे पहला परिवर्तन उसके शरीर में, उसकी आत्मा में, उसकी इंद्रियों में, उसके मन विचार और चित्त की वृत्तियों में ही होता है। जमाने में परिवर्तन तो होगा नहीं होगा, न मैं जानता, ना आप जानते, सिर्फ राम जानते। और जमाने में परिवर्तन वही लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में खुद में परिवर्तन हुआ। इसीलिए आश्रम का तो सूत्र वाक्य यही है, परिवर्तित हो परिवर्तन, अन्यथा आप कुछ भी नहीं बदल सकते। यदि हम परिवर्तित नहीं हुए तो हम कुछ नहीं बदल सकते। और ये परिवर्तन हो जाए हमारे अंदर, इसके लिए पूजा साधनाएं होती है, लेकिन वह उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, कर्म से ही सुख की, कर्म से ही दुख की, कर्म से ही सौभाग्य की, कर्म से ही दुर्भाग्य की उत्पत्ति होती है। तो कर्म से प्राप्त होने वाला दुर्भाग्य कर्म से ही सौभाग्य में परिणत किया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। चाहे आप नहा लो, कितनी गंगा जी में कूद लो, कितनी देर तक गंगा जी में डूबे रहो, उस सबसे कुछ नहीं होगा। उस सबसे शरीर शुद्धि होती है और उससे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। और वहीं हम चूक गए,
तो फिर हमारी सारी पूजना साथ पूजा साधना सब निरर्थक होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण योग को कर्म की पुरुषता कहते हैं। मैं बार बार इस चीज का उल्लेख करता हूं, श्री कृष्ण की दो बातों का उल्लेख मैं सारे जीवन करता आया हूं और लगभग हर बार ही करता हूं, आपको भी रट गया होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानं, व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं करता है, दूसरा उसे सिर्फ राह दिखा सकता है, उद्धार नहीं कर सकता। और दूसरी योग कर्म सुकौशल, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है। तो जो भी हम करते हैं वो बेस्ट हो, और बेस्ट होते हुए भी वो क्या हो, पूरी तरह समर्पित हो। और ऐसा करने वाला व्यक्ति हनुमान जी का उपासक हो सकता है, अन्य कोई नहीं हो सकता है। अब जो बातें मैंने कही हैं आप देख लीजिए आपके प्रभु हनुमान जी के जीवन में वह सारी बातें हैं कि नहीं है। हनुमान जी वेदों के ज्ञाता हैं, खासतौर से साम वेद पर हनुमान जी और राम जी की जबरदस्त पकड़ है, अथर्ववेद उस समय तक नहीं आया है। तो साम वेद पर हनुमान जी और राम जी की जबरदस्त पकड़ है, और हनुमान जी संगीतज्ञ हैं। आप उन्हें बंदर कहते हैं ये आपकी गलती है, हनुमान जी तो बंदर नहीं है, वह तो वानर है, एक ट्राइब है, निधर रेस है, उस रेस के वह महान योद्धा है जिनको राम जी ने चुना है। और राम जी ने क्यों चुना है, क्योंकि वह कर्मोन्मुख है, जपोन्मुख नहीं। लेकिन वह सदैव राम राम क्यों जपते हैं, जिससे उनमें अहंकार उत्पन्न ना हो और उनका आत्मबल क्षीण ना हो। आपको मालूम है आत्मबल कहां है, हनुमान जी को तो याद ही नहीं रहता कि उनका बल कहां है, कौन याद दिला रहा है और कब याद दिला रहा है। सुंदर कांड में उसका ही वर्णन से शुरुआत होती है। देखिए हम अपने देवताओं को यदि सही से पहचान ले तो जिंदगी सुधर जाएगी, वैसे ही सुधर जाएगी, बाकी कुछ सोचने करने की आवश्यकता भी नहीं हो शायद। किष्किंधा कांड में सब कंफ्यूजन में, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, केवल चिंतन मनन विचार है, बातचीत हो रही है। उस बातचीत का एग्जीक्यूशन सुंदर कांड में प्रारंभ होता है, और सुंदर कांड अंत आते आते वह बात पूरी हो चुकी होती है, एग्जीक्यूट हो चुकी होती है, यानी विचार कर्म में परिणित होकर परिणाम दे चुका होता है। ये कैसे हुआ, वह लगातार अपने अंदर जप कर रहे हैं, और जितनी भी शक्तियां और शक्ति से उत्पन्न होने वाला कर्म और उसका परिणाम है वह सब राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और राम क्या है, धर्म की स्थापना के प्रतीक। ये नहीं हम समझें कि वह सिर्फ सीता जी को लेने वहां गए थे, उनको लाने के तो 100 तरीके थे, वह धर्म की स्थापना के लिए गए थे। क्योंकि एक अत्याचारी जिसने लंका से दंडकारण्य होते हुए स्वर्ग तक की धरती को परेशान कर रखा था, उस आतताई का नाश करना बेहद आवश्यक था, और राम जी के पास वो विद्याएं थी जिससे वह ऐसा कर सकते थे। लेकिन भगवान भी अधूरा है इस धरती पर, भगवान भी लगातार सीखते हैं, इसलिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से सीखा, ऋषि विश्वामित्र से सीखा, और भारद्वाज ऋषि से सीखा, और तो और बताली से सीखा जो इंद्र का सारथी है। हनुमान ये रावण को तीर कहां मारना है ये राम जी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ऋषि अगस्त की प्रेरणा से उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया, इस पाठ से क्या मिला, आत्मबल मिला। लेकिन इस आत्मबल से मुक्ति नहीं होनी थी, इस आत्मबल से धर्म की स्थापना नहीं होनी थी, इस पाठ से धर्म की स्थापना नहीं होनी थी, धर्म की स्थापना होती थी कर्म से, और वह कर्म के लिए रावण का मारा जाना आवश्यक था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो सलाह दी गई इंद्र के सारथी, क्योंकि इंद्र ने उनके पास अपना रथ भेजा है, और वो कहते हैं रथ में पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, उसके हृदय पे मार दीजिए, तब रावण मरता है। तो आप सोच लीजिए ज्ञान का दायरा हर क्षण बदल बढ़ता चला जाना चाहिए। राम में अहंकार होता तो सारथी की मजाक राम से कुछ कह पाता, लेकिन राम का स्वभाव इतना विनम्र निर्मल है कि एक सामान्य साथी सामान्य सा व्यक्ति भी उन्हें सलाह दे सकता है, और वह उसको तौलते हैं। और जब उन्हें लगा ये सही है तो उन्होंने कर दिखाया। इसलिए अहंकार का नाश, सोच का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, हृदय बहुत विशाल होना चाहिए, और हनुमान जी का साथ
और यही कारण था कि हनुमान जी ने कहा कि अच्छा मैं जब ये राम का काम है तो मैं कर देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं वो क्या है, यही हनुमान जी का राम का काम। आई डू एवरीथिंग बट आई डोंट ओ एनीथिंग, कर्म बिलोंग्स टू मी नॉट द रिजल्ट, दैट बिलोंग्स टू द गॉड। तो जिस व्यक्ति में कर्म के प्रति ये आस्था जग जाती है और वो अपने कर्म को बहुत खूबसूरती सुंदरता मेहनत के साथ करना शुरू करता है, तो कुंडली में बड़े बड़े दुर्योग होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति सुंदर परिणामों को प्राप्त करता है। आज जिस देवता की आप उपासना करने जा रहे हैं, मन लगा के कीजिएगा, उसको पढ़कर कीजिएगा, समझकर कीजिएगा। जो सरस्वती पुत्रियां बैठे हैं आपको उपासना कराने के लिए, प्रभु उनको वह दिव्यवाणी देते हैं, वो आप स्वयं एहसास करेंगे उस दिव्यवाणी का। प्रभु का भजन तो प्रभु ही करा सकते हैं, वही गले में प्रकट होते हैं, वही होठों से शब्द रूप में निकल के आपके स्पंदन को बढ़ाते हैं और आप सभी लोग तभी भक्तिमय हो जाते हैं। तो आप भक्तिमय हो जाइए, और जब आप पढ़ रहे हैं उन लाइनों को तो समझने की भी कोशिश कीजिए, सब कैसे हुआ होगा, एक व्यक्ति 100 योजन तक कैसे चला गया होगा। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 12 से 16 किलोमीटर के बीच में अलग अलग गणित है, इतना कैसे चला गया होगा, क्या उसने किया होगा, कैसे वहां एक व्यक्ति जाकर सब जलाया, तहस नहस कराया। तो ये प्रखरता उत्पन्न होती है समर्पण से और साधना से। लेकिन समर्पण और साधना क्यों, जिससे वह बड़े कार्य हम कर सकें जिसके लिए प्रभु ने हमें भेजा, जीवन निरर्थक ना हो जाए। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको आज अपने चरणों में जगा दें, आपके अंदर वह दिव्य स्पंदन की अनुभूति दें, जिससे आपको प्रभु के यही कहीं होने का एहसास हो। और हमारे जो सुंदर कांड मिली है, यह आपको उस दिव्य धाम की ओर ले जा सके जो यही कहीं आपके हृदय में, आपके हृदय में बसता है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ पाठ करें। मैं सुंदर कांड को बहुत मानता हूं क्योंकि इसके अद्भुत परिणाम मैंने जीवन में देखे हैं। ना जाने क्या से क्या जीवन हो जाता है, किन किन परेशानियों से लोग बच के निकल आते हैं, ऐसा ये सुंदर कांड है। तो आप जब सुंदर कांड पढ़ना शुरू करें, हाथ पैर अच्छे से हिला लें, क्योंकि उसके बाद मेरा ये निवेदन रहेगा कि बीच बीच में उठकर नहीं जाएं, पूजा बीच में उठकर जाने से खंडित होती है। तो बहुत देर तक जमीन में बैठने में दिक्कत तो होती है, तो पाठ करते करते अपने पाँव बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो वो स्पंदन टूट जाता है, इसलिए अपने हाथ पैरों को खूब ओझमान कर लें और उसके बाद पूजा अपनी प्रारंभ करें। मैं पुनः प्रभु से आज के यजमान जी के मंगल कार्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिन लोगों ने आश्रम अच्छा बड़ा कार्य कर सके इसके लिए सहयोग दिया है, जिन भी लोगों ने आज तक सहयोग दिया है, किसी भी रूप में सहयोग दिया है, मैं उन सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके कार्य बनावे, उनको सुख दे, उनको शांति दे, उनको रोग मुक्त करें। तो ऐसा हो, और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि आपको प्रभु के चरणों में बैठकर बंधन प्रारंभ करें। ओम ओम।